हेलो दोस्तों, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबल है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम फी कितनी है, लास्ट डेट क्या है, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से वैकेंसी आ गई है। ये क्या करती है, बेसिकली ये मैन पावर प्रोवाइड करती है। ये मैन पावर किसको प्रोवाइड कर रही है, मैन पावर प्रोवाइड कर रही है सीसीएल। सीसीएल क्या है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तीन सेक्टर यानी तीन जो ब्रांचेस है, उस तीन ब्रांच में क्या आ गई है, वैकेंसी आ गई। पहली वैकेंसी कहाँ पे, पहली वैकेंसी है भोकरजन सीमेंट फैक्ट्री जो आसाम में स्थित है, दूसरा जो है तंदूर सीमेंट फैक्ट्री जो तेलंगाना में है, और तीसरा जो है राजबन सीमेंट फैक्ट्री जो हिमाचल प्रदेश में है। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, आपको क्या स्किल चाहिए, ये हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पोस्ट है आपकी, पोस्ट कौन सी है, बर्नर, बर्नर की आपकी कैटेगरी क्या चाहिए, आपको स्किल चाहिए, और रिक्वायरमेंट कितने, वैकेंसी कितनी है यहाँ पे आसाम में जो है उसमें वैकेंसी कितनी है, दो है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन कितना है, डिप्लोमा केमिकल और बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको केमिस्ट की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट की वैकेंसी है, फिटर की है, मैकेनिकल की है, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट उनको कितने जन की जरूरत है ये भी यहाँ पे मेंशन है, और यहाँ पे आपका क्या मेंशन है, सैलरी मेंशन है। ये हो गए भाई भोकरंजन सीमेंट में, जो पूरा जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन मैं लिंक में डाल दूंगा। उसके बाद जो यहाँ पे तंदूर जो सीमेंट फैक्ट्री है वहाँ पे भी कौन सी पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियंस की पोस्ट है, मोटर मैकेनिक्स की है, फिटर की है, वेल्डर की है, और यहाँ पे भी जो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल में आपका आईटीआई होना चाहिए, मोटर ड्राइविंग में आपका आईटीआई होना चाहिए, फिटर में आईटीआई होना चाहिए, वेल्डर में, और उनके कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे दिखा है कि इलेक्ट्रिशियन का रिक्वायरमेंट कितने है, 4। यहाँ पे सैलरी यहाँ पे भी मेंशन है, ये पूरी जो नोटिस है मैं जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और तीसरी जैसे कि मैंने बोला तीसरी आई है राज वन सीमेंट फैक्ट्री जो हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पे भी फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिशियन, डीओ की क्या निकल के आई है, वैकेंसी निकल के आए। तो आपको जो है पूरा नोटिस है, पूरा नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस वैकेंसी के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। तो ऑफलाइन आपको जो अप्लाई करना है, फॉर्म भर के कहाँ पे भेजना है, आपको ये जो ऑफिशियल एड्रेस दिया हुआ है BECL भवन C56A17 सेक्टर 16 नोएडा पे आपका क्या करना है, एप्लीकेशन भेजना है। ये जो पूरा है, ये पूरा आपको जो एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर क्या करना है, स्टिक करना है। उसके यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको जिस पोस्ट को अप्लाई करना है उस पोस्ट यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर द प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी आपको जहाँ पे भी है जिन प्लेस पे करना है उस मेंशन करना है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, आसाम, ये यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके साथ साथ क्या भेजना है, आपको क्या भेजना है, फोटो कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एंड अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस होगा उसके भी सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो और पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपको क्या करना है उसके साथ भेजने हैं। और आपकी रजिस्ट्रेशन फी जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज, और एससी एसटी पीएच कैंडिडेट के लिए कितने है, 250 है। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है क्या है, 10th August 2020। लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा, उस ऑफलाइन फॉर्म की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। ये ऑफलाइन फॉर्म आपको इस तरह से दिखा गया, आपको क्या करना है, इस ऑफलाइन फॉर्म को पूरा जैसा हम कोई भी फॉर्म फिल कर दे, इस फॉर्म को फिल करना है, जैसे आप लिखा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे मेंशन करना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये सब, और जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट एनवेलप में डाल के आपको कौन से एड्रेस पे सेंड करना है, आपको इस एड्रेस पे क्या करना है, सेंड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा करना आ रहा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।